इट सीन ऑन द स्क्रीन। तो जैसे कि आपको पता है कि कल शुमैम की सालगिरह है, तो हम सोचें आज रात को छोटा सा सरप्राइज दे दें। तो स्टे ट्यून्ड कि मैं कैसे घर डेकोरेट करती हूँ, और केक स्पेशली बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि अभी तक इस केक की पूरी यूट्यूब पे वीडियो नहीं है। तो आई होप कि आपको हमारा केक बहुत अच्छा लगे और हमारी डेकोरेशन भी अच्छी लगे। तो स्टे ट्यून्ड। जैसे कि हम 2 घंटे पहले डेकोरेशन करके बैठ गए, तो हमने सोचा शुमैम जल्दी आ गए घर, तो हमने सोचा थोड़ी सी झलक दिखाई देते। तो फिर केक हम सारे साथ इकट्ठे काट लेंगे क्योंकि केक मुझे एंड टाइम तक प्रेप करना पड़ेगा। तो चले शुमैम को लेके चलते हैं। तो हम रखेंगे आंखों पे हाथ। तो सांस नहीं आ रहा। अच्छा ना, तुम सीधी तो चलो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, go! That is a very, very, very nice board. Good job, guys. Good job. My expectation. से बहुत खूबसूरत और एस्थेटिक किया है तुम लोगों ने। बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू टू द कैमरामैन एज वेल। व्हाट्स रॉन्ग? नथिंग। तो जैसे कि आज हम कह रहे हैं सरप्राइज कुकिंग, तो पहला स्टेप करते हैं और फिर आगे आगे आपको स्टेप्स पता चलते रहेंगे। तो हम चिकन स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं, तकरीबन 1 किलो चिकन स्ट्रिप्स सही है। और ये हमारे स्पाइस है, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 2 टेबलस्पून के करीब हमें क्यूमन पाउडर चाहिए और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो बेसिकली इसका सबसे ज्यादा फ्लेवर आता है क्यूमन पाउडर से। तो सारे स्पाइसेस डाल देंगे। तो अब ये फ्रेशली कोरिएंडर और जीरा, साबुत जीरा और चंद क्लोव्स हैं इसमें। तो इसको हम कुंडी डंडा में कूट के आते हैं। तो जैसे कि हमने बिल्कुल ज्यादा पीसना नहीं है, इसको साबुत रखना है, बस थोड़ा सा इसको हमने मैश कर दिया है। तो ये तकरीबन हमारा होगा 1 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं सारा इसमें से निकाल लूंगी। तो ये 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कोरिएंडर सीड्स, साबुत जीरा और 5 क्लोव्स। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल, एक और 2। तो 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हो गए। तो जैसे कि हमारे मेरे पास है लेमन एंड सिरका, तो इट इज वेरी यूजफुल, आप जरूर रखें घर में, बजाय आप लेमन जूस अलग निकालें और सिरका अलग यूज करें। तो इसके मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून यूज करूंगी, 1, 2 और 3। तो अब इसको हम मैरिनेट करते हैं। अब बताया था कि हमने चिकन मैरिनेट किया है, तो अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। और मैं यूज करूंगी ऑलिव ऑयल। तो जैसे कि मैंने ऑयल फ्राई करने रख दिया है, चिकन मेरा तैयार है। अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी, ये फॉइल की क्वालिटी तैयार है और ये फ्राइज। तो
मैं फ्राइज तल के आपसे, क्योंकि फ्राइज फ्राई हो रही हैं और दूसरा बैच लग गया है, पिकल स्लाइस हो गया, अब गार्लिक मायो की प्रेप करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे फ्राइज तैयार हैं, चिकन भी तैयार है, पिकल्स और गार्लिक मायो तैयार है, तो अब हम शवरमा रोल करते हैं। कट करके और स्टैक अप करेंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड और फ्राइज बनाइए और फ्राई होंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। That is one good looking. Oh, damn. Give me my candles. Can I do this? Damn, Sonia. Not us, man. One, आज हमारा मेरी बर्थडे का व्लॉग ख़त्म होता है। हम बाहर आए हैं, हमने कॉफ़ी वगैरह पी, थोड़ा मीठा वगैरह खाया। सॉरी हम एग्जैक्टली फिल्म नहीं कर सके, अंदर इतना अलाउड नहीं था, तो हम जितना हो सके था हम आपने आप लोगों को दिखाया है। तो बस यहाँ पे हमारी रात ख़त्म होती है, हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर एवरीबडी हु विश्ड मी एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबर्स एंड द लाइक्स फॉर आवर फ्राइडे व्लॉग। और हम दो दिनों की वजह से इस वजह से पोस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि बर्थडे का सीन था, तो हमने सोचा था बर्थडे का व्लॉग इकट्ठा डालेंगे। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी और वीडियोस लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।